जाने दुनिया के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी हैरान कर देने वाली कहानियाँ, वो भी हिंदी में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कहानियों का संसार बेहद बड़ा है, लेकिन इनसे परे चांद को लेकर कई ऐसे रहस्य प्रचलित हैं, जिन्हें जानकर मानव हमेशा से ही हैरान होता आया है। आज के इस एपिसोड में जानेंगे चांद से जुड़े कुछ रहस्यमय तथ्यों के बारे में। चांद पर दिखा यूएफओ। यह घटना सन 1972 की है, जब अपोलो 16 के मिशन के दौरान ली गई एक फोटो ने नासा और पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया था। अपोलो यान से लौटते वक्त जब फोटो ली गई तो उसमें एक यूएफओ जैसी आकृति नजर आई। आने वाले कई सालों तक नासा इस पर अपनी राय देता रहा। 17 अप्रैल 1972 को अपोलो 16 के क्रू ने चांद से धरती पर आते वक्त अपने रिकॉर्ड किए गए वीडियो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो काफी हद तक एक उड़न तस्तरी के जैसा था। वीडियो को देखने से लगता है कि ये उड़न तस्तरी के आकार का कोई एक ऑब्जेक्ट है जो गलती से वीडियो में कैद कर लिया गया। कैमरे ने 1 से 2 सेकंड तक दूसरी दिशा में घूमते हुए इस ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड किया, और जब कैमरा उसी जगह पर वापस आया तो वह ऑब्जेक्ट अभी भी वही था। इंटरनेट पर जब से यह वीडियो वायरल हुआ है तो सबको लगा चांद पर आने वाले एलियंस का यह सबूत है। नासा ने जब इसकी गहराई से परत दर परत जांच की तो नासा ने बताया कि वीडियो में दिखा यह यूएफओ जैसा ऑब्जेक्ट अपोलो 16 के लैंडर की फ्लैशलाइट हो सकती है, लेकिन यह उड़न तस्तरी जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट क्या था, इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसके बाद यह वीडियो एलियंस होने के सबूत के बेहद करीब माना जाता है। चांद पर मिली विशाल एलियंस की छाया। चांद पर एक विशाल एलियंस की छाया दिखने की यह घटना 2014 की है, जब एक यूट्यूबर ने इसका वीडियो शेयर किया। ये वीडियो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि महज एक हफ्ते में ही इसे 20 लाख से अधिक लोगों ने देखा। इस वीडियो में दिखाया गया है कि गूगल मून में एक खास कोऑर्डिनेट पर एक बड़े ऑब्जेक्ट की छाया दिखाई दे रही थी, मानो कोई एलियंस जैसा जीव चांद पर चल रहा हो। आगे चलकर पता चला कि यह छाया किसी विशाल ऑब्जेक्ट की हो सकती है, जिसे आकार में कम से कम 150 फीट लंबा होना चाहिए था। काफी लंबे समय तक नासा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त कैमरे इतने आधुनिक नहीं थे, इसलिए ऐसी चीज दिखाई देना आम बात है। नासा का यह जवाब सही था या नहीं, लेकिन वह रहस्यमयी छाया आज भी लोगों को हैरान करती है। सीक्रेट मून बेस। 1994 में लॉन्च की गई नासा के एक क्लेमेंटाइन स्पेस क्राफ्ट ने चांद पर मौजूद एक बहुत ही विचित्र वी शेप की आकृति की तस्वीरें ली। आकृति में 7 लाइटें 2 अलग अलग पंक्तियों में जलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो किसी भी तौर पर प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं लगती। ये 7 रहस्यमयी लाइट 500 फीट जितने हिस्से में फैली थी, जो कि चांद पर एक बड़े क्रेटर में स्थित है। इमेज को कैमरे में आई तकनीकी खराबी की वजह से आने वाली गलती के तौर पर खारिज कर दिया गया, और बहुत से लोगों का मानना है कि ये चांद पर मौजूद कोई सीक्रेट बेस हो सकता है, जिसे आम इंसानों से छिपाया जा रहा है। लेकिन असल में यह आकृति और 7 रहस्यमयी लाइटें क्या थी, अब तक किसी को नहीं पता। आज भी ये चांद का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। चांद पर हुआ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। चांद पर यूएफओ देखे जाने के अलावा भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। नासा के अपोलो मिशन के दौरान एक तस्वीर में चांद पर एक बड़े इलाके में हुए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की तस्वीरें बेहद दिलचस्प हैं। इन तस्वीरों में चांद पर एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखा जा सकता है, जो वहां मौजूद क्रेटर के पास हुआ था। कई लोगों का दावा है कि यह डिस्चार्ज चांद पर एलियंस के किसी रिफ्यूलिंग स्टेशन में हुआ था, जो गलती से कैमरे में कैद हो गया। ये ठीक वैसा ही डिस्चार्ज था जो तूफान में धरती के ऊपरी वायुमंडल में होता है। आखिर चांद पर हुआ ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या था, किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज आप मिस ना करें। धन्यवाद।